नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एजेंट्स के बारे में, यानी कि जो इंश्योरेंस करते हैं एडवाइजर्स, उनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो इसके लिए जो है आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये नया अपडेट इंडिया अपडेट्स के द्वारा जो है आपको आसानी से मिल सके और आप इसको इसका जो है बारे में पूरी जानकारी ले सकें और अपने आप को अपडेट रख सकें। तो आइए जानकारी देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आपको आज बीमा एजेंट की द्वारा जनता को गुमराह करके, कुछ बातें छुपाकर, झूठ बोलकर गुमराह करके पॉलिसियों को बेचा करते थे, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बीमा एजेंट अब लोकपाल के दायरे में आ चुके हैं। कोई भी एजेंट पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकता है। सबसे बड़ी बात है, बीमा धारकों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। कुछ ऐसे नए नियम आ चुके हैं जो बीमा पॉलिसी खरीदने वाले ग्राहकों को कई फायदे होंगे। पहला, एजेंट अब झूठ बोलकर पॉलिसी नहीं बेच पाएगा। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कंपनियों की सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जैसे नंबर 1 आता है बीमा पॉलिसी का नाम और उसका नंबर, नंबर 2 आता है कवर राशि और बोनस, नंबर 3 आता है आपका पॉलिसी के तहत बीमित लोगों को संख्या, नंबर 4 में आते हैं पॉलिसी की अवधि, नंबर 5 पे आते हैं दावे की संख्या और राशि अगर किया गया है तो, नंबर 6 आता है शेष कवर राशि और बोनस अगर उपलब्ध हो, नंबर 7 पे आते हैं पॉलिसी नवीनीकरण की तारीख, नंबर 8 पे आते हैं नवीनीकरण कराने के लिए प्रीमियम की राशि, नंबर 9 पे आते हैं ग्रेस पीरियड, नंबर 10 पे आते हैं ग्राहक सेवा अधिकारी का संपर्क नंबर, ईमेल, जिससे कि ईमेल से हमको ये आराम मिलता है कि समय समय पर हमें सही सूचनाएं मिलती जाती हैं। बीमा कंपनियां अपनी पॉलिसी होल्डर को बीमा की जानकारी देने के लिए मैसेज, ईमेल या पत्र जो उपयुक्त लगेगा कर सकते हैं। बीमा कंपनी को कम से कम 2 बार या सारी सूचना बीमा धारकों को देनी होगी। देश में बीमा क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी ग्राहकों की शिकायतों को बेहतर समाधान करने के लिए मकसद से बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब इंश्योरेंस बेच रहे फर्जी ब्रोकरों के खिलाफ बीमा लोकपाल के पास भी शिकायत की जा सकेगी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की तरफ से इस बारे में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने बीमा सेवाओं की दिक्कतों को लेकर आ रही शिकायतों के समाधान, उसमें लगने वाले समय और होने वाले खर्च को देखते हुए एक नई प्रभावी व्यवस्था तैयार कर दी है। इसके लिए बीमा लोकपाल तंत्र कामकाज के दायरे में अधिकतर अधिकार देते हुए बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में संशोधन किया गया था। बीमा से जुड़े नए नियमों को लाने के बाद अब बीमा बेचने के नाम के काम में लगे ब्रोकरों को भी लोकपाल तंत्र के दायरे में लाया गया है और बीमा ब्रोकरों के खिलाफ अवार्ड पारित करने के लिए लोकपालों को सशक्त बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नए नियमों के तहत बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को अगर कोई शिकायत है तो उसका समाधान कम खर्च में समय से ही हो सकेगा। मौजूदा समय में देश में 56 बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से 24 बीमा जीवन बीमा से जुड़ी हुई हैं। इसमें जीवन बीमा से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां LIC है, वहीं गैर जीवन बीमा से जुड़ी हुई 6 सरकारी कंपनियां सिस्टम में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस स्वास्थ्य विभाग की जानकारी देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा धारकों की पॉलिसी की जानकारी अब समय पर मिला करेगी। ऐसा बीमा नियामक और प्राधिकरण झरंडा के निर्देशानुसार हुआ है। बीमा नियामक झरंडा ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह बीमा धारकों को अपने स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी जरूरी जानकारी को समय समय पर सूचित करने को कहा है। नियामक के 1 जून 2021 से पहले क्रिया को सभी बीमा कंपनी को अपने निर्देशानुसार किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे मिलते हैं। यदि आपको मेरा यूट्यूब में वीडियोस पसंद आया हो इंडिया अपडेट्स में, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।